सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फ़ोन देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका मॉडल दिखा दूं। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है यहां पर CPH 2617, ठीक है। और ये फ़ोन जो है ओप्पो का है। और यदि मैं आपको इसका प्रॉपर मॉडल बताऊँ दोस्तों, इसका जो प्रॉपर मॉडल है वो है ओप्पो A59, ठीक है। और ये 5G मोबाइल है। अभी दोस्तों देखिए, इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो भी साथ ही आपको बता दूँ। आप यहाँ पर देखिए कॉर्नर में देखेंगे, देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाया है, तो इस फ़ोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो गया है। अभी दोस्तों देखिए, यदि कभी भी इन फ्यूचर आपके सामने ये प्रॉब्लम आए, आपके ओप्पो के 5G मोबाइल A59 के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाता है, सेफ मोड चालू हो जाता है, तो आप उसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना, जैसे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर कोई कट नहीं लगाऊंगा। आप बाद में कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई हमारा सेफ मोड नहीं हटा है। देखिए फोन के अंदर एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से सेफ मोड नहीं हटता है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा क्यों नहीं हटता है। वरना 100% जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ सेफ मोड रिमूव करने वाली, सिर्फ आप उसे फॉलो करना, 100% गारंटी देता हूँ आपके फ़ोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, आपको अपना फ़ोन लेना है जिसके अंदर सेफ मोड लग गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं फोन के अंदर दोस्तों, इस फोन के अंदर अभी भी सेफ मोड एक्टिवेट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को ऑन ऑफ नहीं करना है, ना ही उसे हार्ड रिसेट करना है, ना ही उसके सॉफ्टवेयर कराने हैं। बस आपको करना ही आपके फ़ोन का जो पावर ऑन ऑफ बटन होता है, जिससे आप फ़ोन को चालू बंद करते हैं, आपको उसको दबा के रखना है, ठीक है। ठीक है, ये अभी इनमें नीचे लिखा मिलेगा पावर ऑफ और ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा रीस्टार्ट, आप देख पा रहे हैं। तो आपको सिंपली रीस्टार्ट की तरफ से स्वाइप अप कर देना है, ठीक है। जैसे आप स्वाइप अप कर देंगे, आपने देखा था फ़ोन के अंदर सेफ मोड एक्टिवेट था। अब जब आप स्वाइप अप करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, ठीक है। आपको इसे चालू नहीं करना है, ये अपने आप ही चालू होगा। देखिए जैसा आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप ही चालू होगा। जैसे प्रॉपर ऑन हो जाएगा, 100% आपके फ़ोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए वो भी आपको साथ ही बता दूँ, देखिए यदि आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देते हैं तब भी आपके फ़ोन का सेफ मोड नहीं हटता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका जो वॉल्यूम बटन होता है ना, जिससे आप आवाज़ घटाते बढ़ाते हैं, 100% आपके किसी ना किसी वॉल्यूम बटन में प्रॉब्लम है। पहले आप उसे ठीक करा लेना, जैसे आप उसे ठीक करा लेंगे उसके बाद अपने फ़ोन को सिर्फ रीस्टार्ट कर देना। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे 100% आपके फ़ोन का सेफ मोड बंद हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, अभी कॉर्नर में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए मैंने इसकी डिस्प्ले जो है ब्लर की हुई है, किसी की प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा हुआ है। देखिए पहले आप यहाँ पर कॉर्नर में देखना, जैसे आपने पहले देखा था यहाँ पर सेफ मोड एक्टिवेट था, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा फ़ोन यहाँ पर रीस्टार्ट होकर के ऑन हुआ है, अपने आप ही सेफ मोड बंद हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप सेफ मोड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।